गुड मॉर्निंग ऑल, वेलकम वंस अगेन टू माय चैनल। और आप लोगों के इतने विश्वास के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि आप लोग कुछ पूछते हैं, कुछ फ़ोन करते हैं, जानकारी लेते हैं, तो अच्छा लगता है कि आप लोग जुड़े हुए हैं साथ में, कमेंट बॉक्स में ही पूछते हैं जवाब। मैंने पहले भी बोला था कि मशरूम में ऐसा नहीं है कि भाई आप जस्ट एक मैसेज डाल देते हो और सामने वाला जवाब दे देगा, ऐसे नहीं होता है। बैग की क्या कंडीशन है, आपके रूम की क्या कंडीशन है, वो चीज़ देखकर ही जवाब दिया जाता है, ऐसे हवा में ये बातें नहीं होती है। मशरूम के काम भी ये मैंने देख लिया है, बहुत बहुत इसमें ध्यान देना पड़ता है चीज़ों का। और किसी का काम ख़राब हो जाए, ऐसे नहीं कि आज कितना पानी लगा दूँ, कितनी हवा लगा दूँ, और ऐसे कुछ नहीं बता सकती मैं कितना CO2 आज रखूँ, कल कितना रखूँ। मैं अपने ही काम में खुद मेरे को इतना ज़्यादा देखना पड़ता है और सोचना पड़ता है, तो मैं ऐसे नहीं बता सकती हूँ। हाँ, और एक चीज़ और, जो ये अभी मेरे पास 3 या 4, मतलब मेरे पास नहीं, सर के पास कॉल आते हैं तो मुझे पता तो चल जाता है, सर के पास 3-4 कॉल आए हैं कंपोस्ट बुकिंग के लिए। तो जो भी बंदे कंपोस्ट लेने के लिए आ रहे हैं उनको मैं पहले ही बता रही हूँ, फर्स्ट आप लेना ना लेना वो आपकी अपनी मर्ज़ी है, लेकिन पहले आप फार्म पर आ सकते हैं, मेरे बैग देख सकते हैं, मेरा रूम देख सकते हैं। और आप, अगर आपको जानकारी है तो मैं तो कहूँगी तभी आप ये काम करो और तभी इस काम को आगे चलाओ, ऐसे ना मेरे से कंपोस्ट लेके और फिर मुझे ये देखते रहो कि इसमें ये क्या दिक्कत है, वो क्या दिक्कत है, वो आप देखो। मेरे फार्म से कंपोस्ट जाने से पहले आप उसकी पूरी जानकारी लो, पूरी तसल्ली करो, आप मेरा एक बारी कंपोस्ट आके देखो। एक ना देखने की भी चीज़ होती है, अगर आपको ये काम करना है और काम आता है ना, तो कंपोस्ट की जानकारी भी थोड़ी बहुत रखो, पहले मुझे भी नहीं थी। और बहुत बहुत चीज़ें सीखनी पड़ती हैं, सिर्फ ऐसे नहीं कि किसी के भरोसे ये काम चलेगा, तो आप इस चीज़ को सीखो। और अगर आप आना चाहते हो फार्म पे, मोस्ट वेलकम। और मैं कहूँगी कि कंपोस्ट बुक करवाने से पहले आप एक बारी फार्म को ज़रूर विज़िट कर लो, तो ही आप फार्म आओ, क्योंकि कल भी ऑर्डर आए हुए हैं और काफ़ी बड़े बड़े ऑर्डर हैं। आप 4-4, 5-5 कमरों के इकट्ठे ऑर्डर लेना चाहते हो तो वो बहुत खुशी की बात है मेरे लिए भी, कि आप विश्वास इतना कर रहे हो और हम अपना 100% देंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन फिर भी अपनी तसल्ली के लिए आप लोग एक बारी, जो क्योंकि एक बारी अगर अमाउंट आप दे देते हैं, बुकिंग हो जाती है, उसके बाद जो है आप तो आराम से बैठ जाते हैं, टेंशन तो मेरी बढ़ जाती है दिन रात, जो उस कंपोस्ट के लिए है, उसके टेम्परेचर के लिए, उसके लिए क्या कंडीशन चल रही है, क्या सामान आ रहा है, क्या नहीं है। तो पहले आप एक बारी, आपको भी थोड़ी जानकारी होनी चाहिए काम के लिए। देखो ये है, ऐसा नहीं आप इतना महंगा कंपोस्ट किसी से भी खरीद रहे हो, थोड़ी बहुत आपको जानकारी होनी चाहिए कंपोस्ट की, काम की। और सिर्फ कंपोस्ट नहीं, कंपोस्ट जब आपके रूम में जाता है तो आपको किस स्टेज में क्या करना चाहिए, कितना हवा पानी है, वो चीज़ भी। और खाली ग्रोअर ग्रोअर नहीं, आपको भी काम समझ में आना चाहिए। अब मेरे पास जो लड़के हैं वो बहुत अच्छे हैं, काम आता है, लेकिन फिर भी मैं अपनी जो है दिमाग या जानकारी उसमें लगाती रहती हूँ, पूछती रहती हूँ, चीज़ों को महसूस करती रहती हूँ। बिल्कुल ऐसे नहीं कि भाई जो उसने कह दिया ठीक है तो ठीक है, गलत है तो गलत है, उससे फिर काम ख़राब हो जाएगा, बहुत दिक्कत आ जाती है। तो आप अपना आके कंपोस्ट जो है, मेरे बैग की कंडीशन देखो। हाँ, इतना मैं आपको अश्योर कर सकती हूँ कि जो मेरे बैग रखे हैं और मेरे बैग में जो कंपोस्ट है, उसकी जो फॉर्मूलेशन है, उसमें जो सामान है, उसी हिसाब से, उसी फॉर्मूलेशन से आपका भी कंपोस्ट बनेगा, इतनी मेरी जिम्मेवारी है। लेकिन उसके बाद आपको काम आता है नहीं आता, उसकी मेरी जिम्मेवारी नहीं है। अब अपना CO2 मीटर लेके आओ, अपना वाटर लेवल जो है आपको कितना लगाना है, एयरिंग कैसे करनी है, वो चीज़ आपकी है। हाँ, लेकिन आप, मैं आपको दिखा रही हूँ, ये कोई फेक तो है नहीं, तो आप आके देख सकते हो, ये देखिए। और अगर मेरे पास जो भी ऑर्डर आते हैं तो मेरे जो मेरी फॉर्मूलेशन बनी है उसी हिसाब से, अगर कोई कमी लगती है तो वो चेंज होती है, तो सभी के लिए चेंज होती है। ऐसा नहीं है कि भाई अपने लिए चेंज कर दी उसमें, और उसमें कुछ ऐसी खास वो भी नहीं है कि मैं अपने लिए चेंज कर दूं किसी और के लिए, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल वही कंपोस्ट मेरे पास है और वही कंपोस्ट दूसरों के पास जाता है। लेकिन आप लोग अपना काम सीखो थोड़ा सा ये, क्योंकि बिज़नेस में ना एंट्री की फ्रीडम है, बिज़नेस में एग्ज़िट की फ्रीडम नहीं होती है। बिज़नेस में घुसना आपके हाथ में है, उसमें सर्वाइव करना और उससे बाहर निकलना वो आपके हाथ में नहीं है, उसके लिए मेहनत लगती है, उसके लिए किसी और के भरोसे काम नहीं शुरू किया जाता है कि चलो जी मन किया मशरूम उगा लेते हैं, बहुत पैसे हैं मशरूम उगा लेते हैं, फिर काम समझ में नहीं आ रहा है, तो ऐसे नहीं होता। जब आप सब कुछ लगा लेते हो ना तो उससे बाहर निकलना बहुत मुश्किल है। तो स्टार्ट करने से पहले भी सोचो, किसी के साथ डील करने से पहले भी आप पूरी तसल्ली और जानकारी के साथ जुड़ना चाहिए। जुड़ने के बाद जो है फिर चीज़ें जो हैं मुश्किल हो जाती हैं, फिर आप के हाथ से बात कई बार निकल जाती है। तो जो मेरे पास अभी 3-4 बंदों ने सर के पास फ़ोन किया है, तो मैं उनसे यही रिक्वेस्ट टाइप ही लगा लो करूँगी कि आप एक बारी फार्म पे ज़रूर विज़िट कर लो इस वीकेंड पे, जब भी आपका मन करे, बुकिंग से पहले, ठीक है। तो अभी कोई हैं जिन्होंने 4 रूम के कंपोस्ट के लिए बात करी है, तो अगर आप लेते हैं, इतना अश्योरेंस है, वो मैं पब्लिकली बोल रही हूँ, इतना अश्योरेंस है कि खाद में बनने में कोई प्रोसीजर में किसी इंग्रेडिएंट में कोई कमी नहीं आएगी। लेकिन फिर आपके वहाँ पर CO2 वाटर या
स्पॉन में कोई दिक्कत है वो मेरी कोई जिम्मेवारी नहीं है, लेकिन हाँ ये इतना है कि ये ट्रस्ट वाली बात है बिल्कुल 100%, और ट्रस्ट में मैं कोई कुताही नहीं बरतती बिल्कुल 1% की भी, क्योंकि मैं खुद ही परेशान हो जाती हूँ अगर कोई बंदा डिच करता है या इस तरीके से फेक होता है। इतनी कोई मारामारी नहीं है अभी लाइफ में किसी चीज़ की, सब बढ़िया चल रहा है, और मैं चाहती हूँ कि जो लोग जुड़े हुए, इतना महंगा काम है क्यों किसी का नुकसान किया। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप सोचो कि 5-10 हज़ार बचा लिया, यूरिया कम डाल दिया, DAP नहीं डाला। चीज़ें कई बार चेंज करनी पड़ती है, कोई सोचे खल डाल दो ये डाल दो, कई बार बीमारी आ जाती है। अगर हम खल डालते हैं अच्छे से, अगर वो नहीं मिक्स होता है तो उसके भी कंटेंट जो हैं वो अच्छे से नहीं रिलीज़ कर पाते अपना सब्सटेंस। तो कई बार हमें चीज़ें जो हैं, बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं, कौन ईजी टू डिकम्पोज मटीरियल है, कौन सी चीज़ जल्दी अवेलेबल है। मार्केट में अब कोई चीज़ अवेलेबल है ही नहीं और वो अच्छी है तो क्या कर सकते हैं, खाद तो बनाना है ना, तो उसका कोई ना कोई हमें सब्स्टिट्यूएंट भी देखना पड़ेगा। आप देख सकते हैं ये इस तरीके से है, जो भी प्रोडक्शन रहेगी मैं डेली वीडियो बना लेती हूँ इस टाइम में। और आप देखो यहाँ पर, जहाँ पर ऊपर नीचे कोई भी अभी दिक्कत वाली बात नहीं है एक भी बैग में। अब अपने फार्म पर सफाई रखोगे नहीं, फिर ग्रीन मोल्ड आएगा, कोई दिक्कत आएगी कुछ, तो फिर उसमें किसकी जिम्मेवारी है? ये तो आपकी जिम्मेवारी है ना, आपका इतना महंगा काम है कि ये भी जिम्मेवारी आपके लेबर की, ग्रोवर की या इनकी है। वो आप ध्यान रखो इन चीज़ों का, बहुत चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ती है। सफाई के लिए मैं हर वक्त बोलती रहती हूँ, बगैर फॉर्मलिन के कोई मेरे फॉर्म पे एंटर नहीं करता है। उसके बावजूद भी अगर कोई दिक्कत आती है तो अलग चीज़ है, पहले तो एटलीस्ट में प्रिकॉशन लेनी चाहिए ना। मशरूम में 90% दिक्कत आती है बीमारियों से जो फार्म बंद होते हैं, और उसकी जो मेन कारण है वो है हाइजीन। थोड़े दिन आप नए फार्म पे दिक्कत नहीं आएगी, फिर बीमारियां आएंगी और फिर कहीं और ना और कमी निकलती रहेगी। आप ग्रोअर में कमी निकाल लोगे, आप हेल्पर में निकाल लोगे, आप कंपोस्ट में निकाल लोगे, आप स्पॉन में निकाल लोगे, कहीं कमी निकाल लो, एट दी एंड नुकसान आपका है, एट दी एंड नुकसान ऑनर का, फार्मर का या सभी इसका है। तो इसमें तो मैं आपसे यही कहूँगी कि आप इस काम में एक तो हाइजीन बरतें, जिससे भी कंपोस्ट ले रहे हैं उससे मिलें, उसके फार्म को विजिट करें, कंडीशन देखें वहाँ कैसी हैं, तभी आप कंपोस्ट बुक करो। और कंपोस्ट बुक करने से पहले तसल्ली करो, कंपोस्ट ले जाने से पहले तसल्ली करो हर चीज़ की। वो क्या, अगर आपको पूछना है क्या क्या डाल रहे हो मटेरियल, तो आप वो भी पूछ सकते हो। ये है, और ये जो मेरा खाद, ये मेरे रूम में रखा हुआ है, जो पिनिंग आप देख रहे हैं, यही खाद जो है, यही कंपोस्ट सेम सबके पास जाएगा। अभी जो लॉट बना है, जो जितने गए हैं वो, या जो अभी 3 प्रोसीजर में पड़े हुए हैं वो, या फिर अगर 3-4 जो ऑर्डर आने वाले हैं वो, और जो सबसे पहले ऑर्डर मेरे पास बुक होगा उसी का मैं कंपोस्ट बनाऊंगी। डेट मेरे पास दिसंबर के बाद मेरा अपना बनेगा, दिसंबर में 2 अपने बनने हैं, तो जो अभी 4 जिनके मेरे ऑर्डर आए हुए हैं, तो आप जैसे ही आप आओगे तो काम स्टार्ट कर दूंगी मैं आपका। उसमें ये मत कहना, क्योंकि मेरे साथ ऐसे हो रखा है कि बात करी थी और कंपोस्ट नहीं मिला। मेरे साथ भी ऐसे हुआ था पिछली बारी, और मेरे रूम भी 1 महीने के करीब खाली रहे थे। तो मैं ये चीज़ मैं पहले ही बता रही हूँ देखो, क्योंकि जो कंपोस्ट आएगा, ऑर्डर आएगा, या जो बंदा जो है फाइनल करेगा उसी का पहले बनेगा, उसके बाद जो है दूसरा आएगा। फिर ये मत कहना कि हमने तो आपको एक बारी तो कॉल किया था पहले, जब किया था तभी आपको फाइनल करना चाहिए। ऐसे नहीं, कई हैं ऐसे जो 2-3 बारी से कॉल आ रखा है कि कंपोस्ट चाहिए चाहिए है, वो फाइनल करेंगे तभी फाइनल होगा, इतने नहीं होगा। और इसमें जो है बहुत दिक्कत वाली चीज़ हो जाती है, ऐसे ही हमारे बातें नहीं है, काम जो तसल्ली बख्श करना पड़ता है, जो काम कर रहे हैं ना उसकी भी हमें सोचनी चाहिए, बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं। मटेरियल मंगवाना है आपको, बुकिंग टाइम पर देनी चाहिए, ऐसे नहीं कि सिर्फ अगले हफ्ते ही दे दो। ऐसे मैंने पहले बोला था, ऐसे मेरा काम नहीं चलता है। कम से कम आपको महीना पहले अपनी जो है बुकिंग, या 20 दिन पहले एडवांस, 22 दिन लगते हैं मेरे कंपोस्ट बनने में, और लगाते होंगे 17-18 दिन आप वहाँ से ले सकते हो। तो आज मैं थोड़ी स्ट्रिक्टली बोल रही हूँ, क्योंकि ये बिल्कुल ऐसे नहीं होता कंपोस्ट के काम में कि भाई बस आपने 10 दिन पहले फ़ोन करके मुझे इस तारीख को दे दो, ऐसे नहीं मिलेगा। मेरे पास एक ही टनल है और जो है सिस्टम से चल रहा है बिल्कुल। तो 22 दिन में मेरा बनता है, आपको जिसको भी चाहिए है। अभी मेरा जो कंपोस्ट जाएगा अगला 28 अक्टूबर को जा रहा है, एक मेरी कल स्पॉनिंग है, अगर कोई आसपास है कंपोस्ट लेना चाहता है, कल स्पॉनिंग है, आप आके देख सकते हो, कंपोस्ट का टेक्सचर देख सकते हो, कंपोस्ट में मॉइस्चर देख सकते हो। मॉइस्चर बिल्कुल भी नहीं रखती हूँ मैं, इजीली स्पॉन रन करता है। मेरे बैग की देख लीजिए आप माइसीलियम, एक भी बैग में ऊपर से नीचे तक किसी में भी कोई बीमारी, कोई मोल्ड, कोई दिक्कत नहीं है कहीं पर भी, अगर कहीं दिखे तो। अगर हो तो मैं सबसे पहले मैं ही उस चीज़ को पॉइंट आउट करूँगी। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आपको कंपोस्ट बुक करना है तो आप पहले फॉर्म विज़िट करो। जो भी 3-4 बंदे अभी जिन्होंने फ़ोन किया, तो वो प्लीज़ विज़िट करें फॉर्म, और उसके बाद ही आप अपनी फ़ाइनल करें। लेकिन आ जाएं तुरंत इस वीकेंड से पहले, क्योंकि फिर जो है जिसका भी ऑर्डर आएगा उसका ही, फिर ये मत कहना कि हमने 20 दिन पहले फ़ोन कर रखा था, फिर दिक्कत हो जाएगी।
थैंक यू सो मच ऑल।